राधे गोविंद, अगले 2 दिन आपकी जिंदगी में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो सकता है, कौन से एनर्जी में आप रहेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, आपके लिए क्या गुड न्यूज है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो सब हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको जो जो चीज़ें रेजोनेट करता है उसके साथ आप पॉजिटिवली खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जिस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, बहुत परेशान किया है, आपको आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, अनएक्सपेक्टेड पेन दिया है आपको, अगले 2 दिनों में वो पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। हम में से बहुत सारे लोग धक्के खा खा के सीखते हैं, जिंदगी में गलतियां करते हैं, लेकिन मैं तो गलतियों को गलतियों की नज़र में नहीं देखती हूँ, एक सीख की तरह देखती हूँ। तो कुछ लोग बहुत धक्के खा खा के सीखे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाय बॉर्न मैच्योर है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सच्चा प्यार हमें हमेशा ग्रोथ देता है, मोटिवेट करता है, जीना सिखाता है, ना कि पेन देता है, दर्द देता है, आंसू देता है, और ना ही पुल डाउन करता है। फॉल्ट कहाँ है, गलती कहाँ हो रही है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप तो उस तरफ देख नहीं रहे हो, गिव अप कर दिया है। आपकी नजर कहाँ है, अपने पार्टनर के ऊपर, लव लाइफ में अटके हो, वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, कैसे वो मुझे मिल सकता है, इन सारी चीजों में उलझे हुए हो। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती है, कभी भी आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचोगे, तब तक आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। जिस इंसान को खुद के बारे में कोई परवाह नहीं है, इतनी लापरवाह है, तो कोई दूसरा कैसे सोचेंगे आपके बारे में। एक बार सक्सेस होके तो देखिए, जिस पर्सन के पैरों पे आप गिड़गिड़ा रहे थे, वो आपको अपने सर पे ताज बना के रखेगा। जितना टाइम एनर्जी आप वेस्ट करते हो, कर रहे हो इस समय किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, दूसरे पर्सन में, वो अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर वर्क करो, फिर मैजिक देखो। अगले 2 दिनों में आपसे कोई हेल्प मांग सकते हैं, या फिर आप किसी से हेल्प मांगे रिगार्डिंग सम हेल्थ इश्यूज, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ कन्वर्सेशन हो हेल्थ रिलेटेड, हेल्दी डाइट प्लान बनाए, ऐसी कोई बातचीत होगी, हेल्थ टिप्स, या फिर फिटनेस के बारे में बात करेंगे, या फिर सोचेंगे जिम ज्वाइन कर ले। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो यस,
आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रहेगी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर ये आपका जनरल नेचर नहीं है, फिर भी आप अगले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, पॉजिटिव, आउटगोइंग फील करेंगे, महसूस करेंगे। आप जैसे कुछ लोग स्टॉक करेंगे अपने पास्ट लवर को, क्रश को या कोई स्पेशल पर्सन को, और ये काफी ज्यादा हो जाएगा, तो हो सके तो इसे कम करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप स्टॉक करेंगे इन्हें सोशल मीडिया पे। जो होगा इन 2 दिनों में एक्सट्रीम होगा। अगर आप खुश रहते हैं, खुश रहेंगे तो वो खुशी एक्सट्रीम लेवल पे होगा। अगर आप किसी से प्यार भरी बातें करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार जताएंगे, तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे ही होगा। गुस्सा करेंगे, वो भी एक्सट्रीम ही होगा। Trust the seas of a novel in the universe. Stay positive, stay happy, stay blessed. Thank you. Radhe Radhe.